नई दिल्ली के मजनू के टीला में तिब्बती राष्ट्रीय महिला विद्रोह दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई। तिब्बती महिला संघ और भारत तिब्बत समन्वय संघ की ओर से तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव का आयोजन मजनू के टीला पर किया गया। इसके बाद तिब्बती महिला संगठन और भारत तिब्बत समन्वय संघ की महिलाओं ने चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग की है। इस दौरान तिब्बती महिला संगठन की प्रतिनिधि ने कहा कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों की चीन की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ रहा है। ऐसे में अपने देश की आजादी की जंग में विद्रोह करते हुए कई तिब्बती शहीद हो गए थे। आज उन बलिदानियों को भी तिब्बती समुदाय याद कर रहा है और तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहा है। साथ ही भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह ने कहा कि चाइना ने कभी भी दुनिया के लिए अच्छा देश नहीं है। चीन ने हमेशा ही भारत के लिए कड़े रुख अपनाए हैं। चीन हमेशा से मानवता विरोधी रहा है। इंसानों के मानवाधिकारों का हनन करना और तानाशाही दिखाना हमेशा चीन की रणनीति रही है। अब समय आ गया है कि हर भारतीय को चीन का असली चेहरा पहचानना होगा और इसकी दमनकारी नीति के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मैं तो सभी को धन्यवाद कहूंगी जो यहाँ पे हमारे मैडम है, हमारे आचार्य जी है, सब हमारे साथ शामिल हुए हैं। वैसे आज हमारा प्रोग्राम जंतर मंतर में होना था, लेकिन आज वहाँ पे फिर कुछ बदलाव के कारण से हमें वापस यहाँ पे करना पड़ा। फुल टोटल अच्छा हुआ, लेकिन हम सरकार से हमेशा ये मांग करते आ रहे हैं तिब्बत में जो भी परिस्थिति हो रहा है उसके बारे में हमारे साथ दीजिए, हमें उनके बारे में थोड़ा पार्लियामेंट में उठाया जाए बात। जैसा तिब्बत में अपने गांव-गांव अलग कर देते हैं पानी के डैम बनाने के लिए, तो ये एक तिब्बत का ही समस्या नहीं है, ये दुनिया भर का समस्या है। 1.5 मिलियन पीपल जो है हमारे तिब्बत से पिघलते हुए ग्लेशियरों की वजह से जीवित है, तो एक छोटा सा तिब्बत के मसला नहीं है, तिब्बत एक पूरा मतलब विश्व भर का मसला हो चुका है। तो इसलिए हम दुनिया वाले से भी यही कहते हैं, हमें भी बहुत भरोसा है। ती महिला 65 साल से मना रही हैं इस दिवस को। मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ पे आ रही हूँ भारत तिब्बत समन्वय संघ के माध्यम से। भारत तिब्बत समन्वय संघ इनकी तिब्बत की आज़ादी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए भी प्रयास कर रहा है। निरंतर इनके साथ मिलजुल कर हम लोग, हमारा संगठन पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना से सभी नेचुरल सी बात है, सभी दुखी हैं। भारत के साथ भी उसने अच्छा नहीं किया, ना पहले किया था ना अब किया था। बस भारतवासियों को समझने की देर है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला अगला दाव क्या है। चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला, ये बहुत जल्दी भारतवासियों को समझ जाना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रह गया है कि अपने घरों में हम आराम से अपने परिवार को बैठ के देख रहे हैं। जब आने वाले समय पे परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप किस लिए बैठोगे? तो अब निकल के जवाब देने का वक्त है। तो अब हमें कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे पास एक तिब्बती भाई बहनों का साथ है, तिब्बत भारत का ही पार्ट था। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।